दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये है पोको M6 5G स्मार्टफोन। अगर आप ये फोन बाय करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, इस फोन के साथ ना तो कोई कवर आता है और ना ही फ्रंट में कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है, जिसको हम प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो हमें आफ्टर मार्केट ही परचेज करने पड़ते हैं। तो मैंने एक कॉम्बो परचेज किया जिसमें फ्रंट का इसका टेम्पर ग्लास है और बैक का इसका प्रोटेक्टर यानी कि बैक गार्ड है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इसके साथ हमें ये मिलते हैं और ये है इसका टेम्पर्ड ग्लास, ये कांच का बना हुआ है। कैमरा के लिए यहाँ पर होल है और सेंसर्स के लिए यहाँ पर कटिंग है। और कॉर्नर्स में आपको दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा करो करके दिए हैं कि टेम्पर्ड ग्लास की मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इन इन फ़ोन पर भी लग जाएगा, सैमसंग का फ़ोन है और MI का है, पोको का है, RM मतलब MI होता है और पोको वगैरह इसका नाम भी लिखा है, पोको M6 5G। तो हम इसको लगाने प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ हमें क्या मिलता है, दो हमें ये मिलते हैं और दो हमें ये मिलते हैं। और इसमें है इसका बैक गार्ड, वो हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम इसको एक बार लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वेट वाइप का यूज़ करना है, फ्रंट पर जो भी डस्ट वगैरह उसको हमने बिल्कुल ही क्लीन कर लेना है इस लिक्विड वाइप की हेल्प से। यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी बिल्कुल क्लीन कर लेना है, यहाँ पर देखिए। और अभी इस ड्राई वाइप की हेल्प से जो भी लिक्विड स्क्रीन के ऊपर है उसको हमने बिल्कुल ही सुखा लेना है, थोड़ी बहुत भी लिक्विड स्क्रीन के ऊपर नहीं बची रहनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है। तो इसको लगाने के लिए हमने पीछे वाली जो ये लेयर है, बैक लेयर है, ब्लैक वाला पार्ट, इसको हमने ऐसे पकड़ खींच देना है और जो कैमरा होल है इसकी हेल्प से हमने इसको अलाइन करके चिपका देना है। यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ देखिए, जो एयर है अपने आप निकलनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल एयर इसकी गायब हो चुकी है। दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास का जो सेटअप है इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर कैमरा होल है, प्रॉपर इसमें सेंसर्स के लिए कटिंग है और कर्व आप देख सकते हो टेम्पर्ड ग्लास के कॉर्नर्स पर काफ़ी ज़्यादा कर्व करके दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों को दिक्कत आती है टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद कवर नहीं लगा पाते क्योंकि कवर लगाते टेम्पर्ड ग्लास उखड़ जाता है, तो वो सीन इसमें नहीं है क्योंकि हल्का सा मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हो, हल्का सा मार्जिन है ताकि आप कवर लगा सको बाद में आसानी से। तो ये चीज़ है काफ़ी बढ़िया है। और अभी हम इसका बैक प्रोटेक्टर लगा के आपको दिखाएंगे। एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको चेक नहीं करवाई कि टेम्पर्ड ग्लास की स्मूथनेस कैसी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथनेस इसकी काफ़ी मस्त है, क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इस टेम्पर्ड ग्लास की। तो ये दोस्तों ये है इसका बैक गार्ड, ये अनब्रेकेबल वाला होता है, फ्रंट वाला ग्लास वाला होता है वो क्रैक हो सकता है बट ये कभी क्रैक नहीं होता, आपको एक ही बार लगाना पड़ता है, साल आपका आराम से निकल जाएगा। और इसके साथ में क्या मिलते हैं, इसके साथ में ये मिलते हैं, इनका तो हम बाद में कोई यूज़ कर लेंगे, जो पहले इसके साथ आए उसी का हम यूज़ करेंगे। ये अभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ये एक्चुअली ब्लैक नहीं, इसके ऊपर लेयर होती है वो उतरती है फिर ये फुली ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जो फ़ोन का जो बैक पैनल है जैसा कलर है वैसा की वैसा इस गार्ड के अंदर से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हमने वेट वाइप का यूज़ करना है, जो भी डस्ट वगैरह इसके पीछे है उसको हमने बिल्कुल ही सुखा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं क्लीन कर रहा हूँ, आपने भी इसको ऐसे क्लीन करना है, जो कैमरे के साइड्स हैं यहाँ पर भी आपने इसको बिल्कुल क्लीन करना अच्छे तरीके से। तो अभी हमने ड्राई वाइप का यूज़ करना है ताकि जो भी लिक्विड इसके बैक पैनल पर है उसको हम सुखा लें काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से, आपने कॉर्नर वगैरह से इसको क्लीन करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बैक गार्ड को लगाने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनके स्टिकर्स को चेक करना है, यहाँ पर लिखा है एक नंबर और यहाँ पर लिखा है दो नंबर, तो आपने एक नंबर वाली लेयर को ऐसे पकड़ कर खींच लेना है जैसे कि मैंने किया है और इसको अलाइन कर लेना है इस कैमरे की ऐप से ताकि कहीं से भी इधर उधर ना हो जैसे कि मैंने किया अभी। ये देखिए आपने इस तरीके से इसको लगा देना है, थोड़ी सी बेयर इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, आपने ध्यान रखना लगाते हुए। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, सारी एयर को आपने निकालना है, उसके बाद इसको बिल्कुल नीचे की तरफ छोड़ना है, उससे पहले नीचे की तरफ मत छोड़िएगा नहीं तो बाद में आपको फिर इसको उठाना पड़ेगा और एयर निकालनी पड़ेगी। ये देखिए सारी एयर इसकी निकल चुकी है, थोड़ी सी भी एयर इसमें नहीं बची है। दोस्तों इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने दो नंबर वाली लेयर को अभी उतार देना है, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओरिजिनल लुक है बैक पैनल का वही निकल के आ रहा है, थोड़ा सा अभी इसमें चेंज नहीं है, कलर वगैरह का कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है। आपको भी पता है चाहे हम कवर यूज़ कर लें बैक पैनल पर स्क्रैचेस तो लगती ही लगती हैं, तो गार्ड लगाने के बाद बैक पैनल पर अब कोई भी स्क्रैचेज नहीं लगेंगी, तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल ही सेफ हो चुकी हैं। और प्राइस वगैरह मैं आपको बताऊँ तो फ्रंट वाले टेम्पर्ड ग्लास का और इस बैक गार्ड का प्राइस मुझे पड़ा 300 रुपये दोनों चीज़ों का,
और मुझे काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी लगी। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका बाय लिंक दे दूँ जहाँ से मैंने इनको बाय किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।